2022 शेष सुद्धा देश एवं विश्वपी 500 कोटी कोरोना वैक्सीन रो डोज उत्पादन करने को प्रस्तुत भारत रोम रे G20 शिखर सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना देते सहित G20 शिखर सम्मेलन प्रथम सेसन को संबोधित कर मोदी भारत कोवैक्सीन को जरूरीकालीन व्यवहार अनुमति देवे हूर विलंब कथ उठाई वैदेशिक सचिव हर्ष श्रृंगला कहते प्रधानमंत्री मोदी G20 को कहते जे कोवैक्सीन को हूर अनुमोदन भारत प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बहुत दूर जीव कारण ये टीका विकासशील देश को वर्तमान असमानता ह्रास करिबारे साहाय्य करिबो। G20 बाहर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रन सहित आलोचना करते मोदी साक्षात पर हिंदी में ट्वीट कर खुशी व्यक्त करते फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रन लिखिंट आम भारत सहित परिवेश स्वास्थ्य और नवसृजन साधारण अभिलाष रखुचु आमे भलो परिणाम दिगरे मिलमिशी काम करिबा जारी रखिबो मुख्यतः हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र रे। सेबळे प्रधानमंत्री आज यूरोप गस्तर तृतीय दिन रोम रो प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन परिदर्शन आरंभ करिबे या सहित अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जोगान श्रृंखला स्थिरता पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जोगदेवार कार्यक्रम रही या सहित रोम रे होबा कथिबा G20 शिखर सम्मेलन बाहर स्पेन राष्ट्रमुख्य और जर्मनी चांसलर आंजेला मार्केल को सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछे। प्राइम मिनिस्टर कन्वेड दैट इंडिया हैज नॉट ओनली वैक्सीनेटेड ओवर बिलियन फैसिलिटीज बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट वी आर रेडी टू प्रोड्यूस ओवर 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस ऑब्वियसली विल बी अवेलेबल नॉट ओनली फॉर सिटीजन बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and that this is our own contribution to reducing as I mentioned vaccine inequities especially in the developing world. Obviously we also believe that the WHO's approval the emergency use authorization for Covaxin our indigenous vaccine pending with them would facilitate this process of our assisting other countries. In addition, the Prime Minister will also attend a side event hosted by President of the United States, His Excellency Mr. Joe Biden, on supply chain resilience. He will also hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit. Thereafter, the Prime Minister will depart for Glasgow, where he will attend the COP26 summit.